ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में पहली और तीसरी कक्षा के स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य के स्कूलों में 20 सितंबर से पहली और तीसरी क्लासेस की शुरू हो जाएगा। यह आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जारी किए गए हैं। इस दौरान स्कूलों को कोविड की रोकथाम के लिए नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा छात्र ऑनलाइन कक्षाएं भी ले सकेंगे, यानी कि ऑनलाइन कक्षाएं भी जारी रहेंगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हरियाणा सरकार की ओर से ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। राज्य के स्कूलों में 20 सितंबर से पहली और तीसरी क्लास की क्लासेस जो हैं लगना शुरू हो जाएंगी। ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं और इस दौरान स्कूलों को कोविड की रोकथाम के लिए नियमों का पालन करना होगा। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि छात्र ऑनलाइन कक्षाएं भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो जारी रहेंगी। यानी कि 20 सितंबर से पहली और तीसरी कक्षा के स्कूल जो हैं वो खुलने जा रहे हैं। ये आदेश जो है वो सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, हरियाणा सरकार का आदेश जो है जारी हो गया है और 20 सितंबर से पहली और तीसरी क्लास की क्लासेस जो हैं वो लगना शुरू हो जाएंगी। ये जो आदेश है वो सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोविड नियमों की पालना करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना होगा। ये आदेश जो है वो जारी कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार की ओर से प्रदेश में पहली और तीसरी कक्षा के स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी हो गए हैं। 20 सितंबर से पहली और तीसरी क्लास की क्लासेस जो है वो लगना शुरू हो जाएगी। और अब अंतिम चरण में पहली से तीसरी के स्कूल खोलने का फैसला किया है, सर कब से स्कूल खोले गए हैं और क्या एहतियात बरते जाएंगे? जैसा मैंने पहले भी आपसे कहा था कि सब कुछ अगर ठीक चलता रहा तो हम जल्दी स्कूल खोलने का निर्णय लेंगे। और अब हमारे स्कूल जो पहले हमने 9वीं से 12वीं शुरू किए थे वो ठीक से चले, और उसके बाद फिर 6ठी से 8वीं तक के जो स्कूल थे वो ठीक से चले, उसके बाद फिर 4थी और 5वीं हमने शुरू की थी वो भी बिल्कुल ठीक से चले, कहीं कोई किसी के प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं आई। तो अभी हम 20 सितंबर से हम शुरू करने जा रहे हैं, और 20 सितंबर से हम पहली से लेकर और तीसरी तक के जो बच्चे हैं उनके जो है कक्षाएँ उनकी शुरू करने जा रहे हैं। उसके लिए हमने निश्चित किया है कि भाई सभी बच्चे अपने अभिभावक से लिखवा के लेके आएंगे, और उसमें उनको छूट है कि अगर अभिभावक उनको भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, और अगर वो नहीं भेजना चाहते तो नहीं भेजेंगे, तो किसी की कोई एब्सेंट वगैरह नहीं लगेगी। ऑनलाइन एजुकेशन जिस प्रकार से जारी है वो ऑनलाइन एजुकेशन उसी प्रकार से जारी रहेगी, उसमें कोई बाधा नहीं आएगी, बिल्कुल उस तरीके से जारी रहेगी। सर 20 सितंबर से जो स्कूल खोले जाएंगे उसमें कोविड गाइडलाइन का किस तरीके से फॉलो किया जाएगा, और दूसरा पेरेंट की सहमति अगर होगी तभी बच्चे स्कूल आएंगे, क्या कंडीशन क्या रहेंगे? हाँ निश्चित तौर से, वो जैसे पहले भी हमने किया था वो उसके लिए उन्हें अपने पेरेंट्स से लिखवा के लेके आना पड़ेगा बच्चे को, या ये समझ लो कि पेरेंट्स लिख के दे के जाएगा क्योंकि बहुत छोटे बच्चे हैं, तो अगर वो लिख के दे के जाएंगे तो निश्चित तौर से मतलब ऐसा हमने प्रदान किया कि वो लिख के दे के जाए और उसको बच्चे को भेज सकते हैं उसकी। और कोविड के बारे में जो नियम पहले से थे वही नियम उसी प्रकार से जारी रहेंगे, चाहे वो फिजिकल डिस्टेंस की बात है कि बच्चों की दूरी जो है वो एक क्लासरूम में कहीं भी 20 से ज़्यादा बच्चे नहीं बैठेंगे, जहाँ उनका टेम्परेचर चेक करने की बात है वो भी उसी प्रकार से चेक होगा, और भी जो है चाहे सैनिटाइज की बात है उसके लिए हमने राशि भी सब स्कूलों को दे रखी है, तो वो राशि भी हमने। एक टीचर्स का वैक्सीनेशन होना था सर, वो कितना हो चुका है? देखिए टीचर का वैक्सीनेशन का हमारा पूरा प्रयास है और हम उसमें लगे हुए हैं, 70% जो हमारे टीचर हैं वो वैक्सीनेट हो चुके हैं। सर जो 4थी से 5वीं और 6ठी से 8वीं और 9वीं से 12वीं के जो स्कूल चल रहे हैं उसकी हाजिरी प्रतिशत क्या है सर, अभी कुछ आंकड़ा है? कि अगर हम औसत लगाएं तो वो लगभग 70% के आसपास बैठती है, लेकिन कुछ जिले हमारे ऐसे हैं जहां अभी कम बच्चे रहे, जैसे करनाल, मेवात और पलवल, यहां हमारे 30 और 40% बच्चे, 30 से 40% तक बच्चे रहे, लेकिन अगर सारा टोटल करें तो 70% बच्चे हैं हमारे। और 9वीं से 12वीं में जो है वो हमारे कुछ कम है, वहाँ 45% बच्चे हमारे स्कूल में आ रहे हैं।
तो ये 20 सितंबर से सर पहली से तीसरी क्लास के जो बच्चे स्कूल आएंगे उसको लेकर तमाम एहतियात जो है वो जारी कर दिए? हाँ बिल्कुल, सारे एहतियात हमने जारी कर दिए और हमने पूरा उसका ध्यान रखा है। इसलिए जैसे मैंने पहले भी कहा था कि हमने चौथी और पांचवी शुरू किए हैं, अभी हम देख रहे हैं और उसको सारे को हमने देखने के बाद जब सब कुछ ठीक था तभी हमने अगला स्टेप लिया और हमने पहले से 30 तक की। सर मिड डे मील दिया जाता था, इसको लेकर कैसे रहेगा कोरोना काल में स्कूल खुलेंगे? नहीं देखिए, अभी हम उसमें स्कूल में बनाने की तो परमिशन अभी नहीं देने जा रहे, अभी तो हम जिस प्रकार से सूखा राशन दे रहे थे उसी प्रकार से देंगे। लेकिन तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें और 20 सितंबर से स्कूल जो है खुलने जा रहे हैं पहली और तीसरी क्लासेस के, और कोरोना गाइडलाइंस का पूरे तरीके से पालन करना होगा जैसे कि आपने सुना, क्योंकि पहले जो है हरियाणा में स्कूल खोल दिए गए थे, छठी से बारहवीं तक के स्कूल जो है पहले से चल रहे हैं, सही तरीके से चल रहे हैं। तो इसी हिसाब से हरियाणा सरकार की तरफ से ये नए आदेश जारी हुए हैं और अब जो है वो पहली से तीसरी क्लासेस के स्कूल जो है वो खुलने जा रहे हैं। 20 सितंबर से क्लासेस जो है लगना शुरू हो जाएगी पहली और तीसरी तक की। ये आदेश सभी सरकारी और निजी स्कूलों को जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस दौरान स्कूलों को कोविड की रोकथाम के लिए नियमों का पालन करना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, बच्चों ने मास्क लगाया है नहीं लगाया है इसका ध्यान रखना होगा, सैनिटाइजेशन सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही इसका भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि पहली और तीसरी क्लासेस के बच्चे बहुत छोटे बच्चे हैं और इस समय उनको ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, हरियाणा सरकार की ओर से ये प्रदेश में पहली और तीसरी कक्षा के स्कूल खोलने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसी खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए साक्षी हमारे साथ जुड़ गई हैं लाइव। साक्षी, क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि अब 20 सितंबर से पहली और तीसरी तक की क्लासेस शुरू होने जा रही हैं, लेकिन साक्षी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होगी क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, इनको समझाना भी होगा, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाएगी और कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अभिभावकों में भी डर होगा? जी बिल्कुल, बता दें आपको कि क्योंकि छोटे बच्चे हैं, चौथी से जो बारहवीं तक की कक्षाएं हैं वो पहले ही अलग अलग चरणों में खोली जा चुकी हैं, पहले नवीं से बारहवीं खोली गई, फिर छठी से आठवीं खोली गई, उसके बाद चौथी पांचवी की कक्षाएं खोली गई और अब 20 सितंबर से शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं कि पहली दूसरी और तीसरी की जो कक्षाएं हैं वो खोली जा रही है और इसको लेकर जो एहतियात हैं वो भी स्कूलों में बरते जाएंगे। और अभी थोड़ी देर पहले हम शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से भी बातचीत कर रहे थे, उन्होंने भी यही बताया कि स्कूल्स को जो सैनिटाइजेशन और अन्य चीजों को लेकर बजट है वो पहले ही जारी कर दिए गए थे और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उनकी पालना की जाएगी और स्थितियां जो फिलहाल प्रदेश में बनी हुई हैं वो बिल्कुल ठीक है, कोविड के केसेस नहीं आ रहे और स्कूलों में भी जब नवीं से बारहवीं की कक्षाएं शुरू की गई थी तब कुछ स्कूल्स में कुछ 5-7 बच्चे कोविड पॉजिटिव आए थे, लेकिन उसके बाद से अब तक कुछ महीने बीत चुके हैं लेकिन कोई मामला सामने नहीं आया है। इसीलिए स्थितियों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है जहां पहली से तीसरी की कक्षाएं खोली जा रही है, लेकिन ये कक्षाएं भी अभिभावकों की कंसेंट से ही खोली जा सकेंगी। अगर कोई अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहता तो उस बच्चे की एब्सेंट नहीं लगाई जाएगी और जो ऑनलाइन एजुकेशन की प्रक्रिया है वो लगातार उसी तरह जारी रहेगी। अगर बच्चा नहीं भी आना चाहता तो अपने घर पर रहकर जो ऑनलाइन जिस तरह से अब तक एजुकेशन लेते आए हैं वो प्रक्रिया जारी रहेगी। वहीं अगर बात करें टीचर्स के वैक्सीनेशन की तो विभाग ने एक आंकड़ा दिया है कि अब तक 70% टीचर्स जो है उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। वहीं अगर अब तक स्कूलों में कितने बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे हाजिरी लगा रहे हैं, उसके पूरे प्रदेश में जो प्रतिशत की अगर हम बात करें तो कुछ जिलों को छोड़ के अगर ओवरऑल परसेंटेज। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।